नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चहल और मेरे साथ है रानी चहल और आज हम बात करेंगे इलेक्शन की। बिल्कुल सही सुना, आज हम बात करेंगे बिग बॉस के अंदर इलेक्शन की। तुमने क्या सोचा कि बाहर इलेक्शन की? दोस्तों बाहर तो अपने आप जाके वोट डाल देना, लेकिन वोट डालने की बारी आ रही है बिग बॉस के अंदर। जितने भी बिग बॉस के लोग हैं ना, उनकी बारी है वोट डालने की। भाई कौन अपनी वोट कहाँ डालेगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन जो इसका नतीजा है वो आएगा वीकेंड के वार पे। अनिल कपूर सर आएंगे, अपनी चाबी उस ताले में घुसाएंगे और खोलेंगे और एक एक वोट निकाल के रिजल्ट बता देंगे। लेकिन एक बहुत तगड़ा अपडेट आया है, शिवानी कुमारी हो चुकी हैं इविक्ट। दोस्तों बिल्कुल सही सुना, शिवानी कुमारी इविक्ट हो चुकी है बिग बॉस से। ये कहना हमारा नहीं है, ये कहना है अरमान जी का। अरमान जी ने अपने आंकड़े लगाए और शिवानी कुमारी को बोल दिया है कि अपना बैग पैक कर ले, तो अब जाने वाली है घर तक। तो ये उनका क्या मैथ है क्या ना, ये चीज तो अभी हमारी समझ में ना आई, क्योंकि उनका कहना ये है कि चार लोग हम हैं जो उनके चार लोग ग्रुप में है। एक चीज समझना, जो अरमान है उसके जो ग्रुप है उसके उसमें चार लोग हैं, चार लोग कटारिया वाली इसमें टीम में पांच। तो अरमान जी का कहना यह है कि पांचों ने मिलकर शिवानी को वोट आउट किया है, और जो अरमान साइड के लोग हैं, रणवीर साइड के लोग हैं, उनकी वोट बट चुकी है। ये मैथ लगाया, अब इस मैथ में कितनी सच्चाई है वो अनिल कपूर सर आके बताएंगे। और दोस्तों एक और बहुत बड़ी चीज है कि जो बिग बॉस की शुरुआत हुई है, जैसे कि इलेक्शन से हुई है, तो उसमें सबसे पहले स्टेज पे एक एक करके और बोला गया जो तीन लोग नॉमिनेट हैं उन्हें एक दूसरे की बुराई बतानी है, उनमें क्या क्या बुराई है। तो हो सकता था कि आप लोग अपनी अच्छाई बताओ कि आप क्यों डिजर्व करते हो आगे जाना, लेकिन भाई देखो बिग बॉस को तो घर में कलेश करवाने हैं, तो क्या बोला गया है कि दूसरे तुमसे कम क्यों हैं, वो डिजर्विंग क्यों नहीं है, वो आगे क्यों नहीं जाने चाहिए, ये चीज बतानी थी। तो भाई देखो वो आपस में भले ही दोस्त हो लेकिन टास्क तो करना ही है। लेकिन जैसे ही सबसे पहले विशाल स्टेज पर चढ़ा, तो भाई स्टेज पर चढ़ते वक्त सबके हाथ पैर कांप रहे थे कि जिस इंसान के साथ रह रहे हैं और उसकी बुराई करें तो बहुत बहुत बड़ी बात होती है। तो विशाल ने जो सबसे बड़ी गलती करी वो ये करी कि उसने एक वाक्य जो थप्पड़ कांड था, पहला थप्पड़ कांड, उसको फिलहाल यहाँ पे रख दिया, रख के आके बोल दिया कि कटारिया ने मेरी इसमें कोई हेल्प ना करी, उसे मेरा साथ देना चाहिए था। और दूसरा पॉइंट ये रखा कि भाई ये जब दूसरों से बातचीत करता है तो थोड़ा सा कुछ भी बोल जाता है, ज्यादा सोचता नहीं है। हाँ, मतलब मतलब ऐसा लग रहा था कि विशाल के पास कुछ बोलने के लिए है नहीं, अपने दोस्त के खिलाफ कुछ बोलने के लिए है नहीं। हालांकि देखो आज शुरुआत में थोड़ी सी उनकी काम को लेकर खटपट हो गई थी, हमें कई बार दिखता है कि विशाल थोड़ा सा आलकसी है, थोड़ा काम से जी चुराता है, वो होता है कोई कोई, तो उसी चीज को लेकर खटपट हुई थी इनकी। पर वहां सना ने समझाने की कोशिश करी, चलो वो तो अलग बात है। और शिवानी के लिए क्या पॉइंट बोला गया कि ये दोनों के साथ बैठती मतलब है, इसकी लॉयल्टी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जो कि कुछ हद तक हमें भी लगता है स्क्रीन अगर हम देख रहे हैं, कुछ हद तक ये लग रहा है, क्योंकि शिवानी कुमारी की ये बहुत, जो पहले हमें मजाक में लगता था ना कि भाई इधर की बात उधर बोल देनी, उधर की बात इधर बोल देनी, यही चीज शिवानी कुमारी को बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है, क्योंकि जो भारी ये काम, वो तो फायदे में पड़ रही है। अगली के साथ रैली में चलने के लिए चार चार बंदे हैं, मतलब चार बंदे तो हैं, लेकिन वो बंदे कौन है जो उसकी टीम के है ही ना। वो सना ने बताया तो वो आज तुम्हारे साथ इसलिए हैं क्योंकि वो इन दोनों को पसंद नहीं करते, नहीं वो इसलिए तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो अरमान है वो मतलब शिवानी को नचा रहा है, मतलब शिवानी का रिमोट ले लिया अरमान ने अपने हाथ में। जैसे पहले और भी लोग थे अब वो चले गए, जैसे चंद्रिका वगैरह और भी कई लोग थे वो चले गए उनके ग्रुप के, तो अब वही काम हो रहा है शिवानी के साथ। उसको बोला जा रहा है कि हम उनके आगे बोलेंगे तुझे कि भाई हम तुझे वोट नहीं करेंगे, तू ना उनके कुछ हमें ऐसी बातें बता जो अब तक सामने नहीं आई, मतलब बेसिकली उससे बातें उगलवाने की कोशिश की जा रही है शिवानी से, और वो उगल भी रही है। तो यहाँ तक क्लियर होता है शिवानी कुमारी होगी कानों की बहुत कच्ची, क्योंकि एक तरीके से अगर सोचा जाए, जैसे शिवानी कुमारी को का रिमोट उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, जिस तरीके से वो नचा रहे वैसी नाच रही है, क्योंकि अरमान मलिक ने शिवानी कुमारी को भेजा था सना के पास कि तू सना के पास जा और उसको जाके पूछ कि भाई तैने किसको वोट दिया, कहाँ दिया, तो वो उसी तरीके नहीं, उसने बोला कि अगर अरमान और रणवीर ने और साई ने कृतिका ने बोला कि अगर सना मकबूल तेरी कैंपेन में आती है, तेरी रैली में, तो हम नहीं आएंगे, हम तो नहीं आएंगे। हाँ साफ साफ बोल दिया, तो वो गई पूछने कि भाई आप मेरे साथ आओगी?
सना ने देखो वो नहीं जा रही थी तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि भाई शिवानी मैं तेरे साथ नहीं आ सकती, और इसी चीज का फायदा अरमान ने उठाया, उठा लिया कि मतलब उसको वो और प्लस पॉइंट मिल गया भड़काने के लिए। लेकिन एक चीज सबसे अच्छी जो दोस्ती की मिसाल दी कि इन तीनों की, कि एक दूसरे के बारे में ये बोल रहे थे लेकिन बुराई करते करते जो कटारिया है उसकी आंखों में पानी आ गया, क्योंकि उसका ये कहना था विशाल से कि भाई मैं कैसा दोस्त हूँ कैसा ना, ये तुझे बाहर जाके पता चलेगा कि बाहर मैं तेरे लिए कितना लॉयल हूँ, ये गेम है, यहाँ फाइट हो सकती है। ये रोने लगा लेकिन उसी मौके का फायदा उठा के अरमान जी गए और आंसू पोंछने लगे। तो चलो ठीक है भाई, पोंछना चाहिए, अगर कोई रो रहा था आंसू तो भाई पोंछने चाहिए और समझाना चाहिए। तो अरमान का ये है कि उसकी चाहे कोई बुराई करो लेकिन उसकी बातें करो करो, उसको ये है कि मेरी अच्छी बातें करो बुराई करो, वो उस अगर कोई उसकी बुराई कर रहा है ना तब भी उसके फेस पर स्माइल होती है, उसको ये है कि चलो मेरी बात हो तो रही है, हो तो रही वो है। ये चीज चाहता है चाहे तुम मेरी बुराई कर लो कुछ भी करो लेकिन मेरी बातें करो तुम। हाँ बिल्कुल, वो उसी चीज में ही खुश रहता है कि चर्चा होनी चाहिए। हाँ वो कहते हैं ना कुछ है, चर्चा है तो खर्चा है तो चर्चा है, हाँ ऐसा ही कुछ है। तो उनका वही चक्कर था। बाकी देखो कटारिया ने आज जो एक बात अब तक सबके सामने नहीं लेकर आया था विशाल की, कि जो उसने बोला था कि भैया तो किस्मत वाले हैं, वो भाग्यशाली भैया वाली बात आज बोलनी पड़ी उसको, लेकिन उसने वो बात भी बहुत ही अच्छे वे में बोल दी, तरीके से एकदम वैसे नहीं बोली कि खराब लगे, पर अरमान और कृतिका ने वो पॉइंट पकड़ लिया और बाद में उससे सवाल भी किए, भाई अब बताओ तू तेरा मतलब क्या था। विशाल ने भी बहुत अच्छा डिफेंड किया उसको कि भाई मैं इसलिए बोल रहा था कि भाभी अच्छी टाइम पे ध्यान रखती है, और ध्यान वो क्या ही बोलेगा वैसे। हाँ भाई, अरे एक बात बताओ, वो तो कॉम्प्लीमेंट दिया ना उसे, उसे तो कॉम्प्लीमेंट दिया तो भाई एक्सेप्ट करो कॉम्प्लीमेंट ना चाहिए तो भाई फिर तो अपने दूर रखो ना सोशल मीडिया। हाँ, आज लव ने भी तो वो बोला था ना जब उनका टास्क चल रहा था लास्ट वाला जिसमें की कुछ एंटरटेनमेंट करना था कि भाभी क्यूट भाभी, तो मैं सोच रही थी कि कभी अब ना भी रच जाए कि भाई ये क्यों कह दिया। भाई जिस तरीके से इलेक्शन में हर गांव में कुछ लोग ऐसे निकल जाते हैं कि भाई मैं तो किसी को वोट ना दूंगा, मैं दूंगा नोटा को वोट, तो इस घर में भी ऐसे इंसान है, जैसे कि ले लो रणवीर को, रणवीर जी कह रहे थे किसी को जो सेव करने की बात थी तो रणवीर ने साफ बोल दिया कि भाई मैं तो नहीं करूंगा। अगर अब आई बात किसी को निकालने के लिए वोट करना था, जब कर दिया अब भी तो बोल सकते थे कि भाई मैं तो किसी को नहीं करूंगा। तो रणवीर जी बहुत किल से हुए अंदर तक, तो इसलिए भाई वो नोटा पे तो उतर के वोट डालने के लिए आ गए, क्योंकि अब किसी को घर से बाहर निकालने की बारी थी। कटारिया और विशाल की दोस्ती पर शुरू से ही सवाल उठाते आए हैं कि भाई तुम आते ही दोस्त कैसे बन गए, दोस्त की तुम्हारी जो दोस्ती है ना वो एक फायदे के लिए। तो हाँ भाई मतलब फिनाले वाली बात भी कुछ उन्होंने बोली आज कि तुम तो ऐसे करते रहते हो कि हम दोनों हाथ पकड़ के फिनाले तक जाएंगे। भाई देखो ये घर है, यहाँ पर हम बाहर की बातें नहीं कर सकते, तो यहीं की बात तो करेंगे ना, तो यहीं के दोस्त बनाने पड़े, यहीं के दोस्त बनाने पड़े। तो वो बातें कर रहे हैं भाई हम लोग फिनाले में जाएंगे, अब कोई ये तो कहेगा नहीं कि भाई देखो हम फिनाले तक तो जा नहीं सकते, अब बस हमारी दोस्ती यहीं तक है। ऑब्वियस है वो अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हर कोई ये चाहता है हम फिनाले पर जाएं, तो वो फिनाले की बात करेंगे ही। और भाई अब जो अरमान है, अरमान ने एक बात बोली विशाल के पिताजी के लिए कि जब इसका बाप आके, बाप बोला भाई उसने, जब इसका बाप आके स्टेज पे मेरे बारे में भला बुरा बोल के गया था, अब कहां गया, अब क्या होगा उसके साथ। विशाल को गाली दी जो कि म्यूट कर दी। हाँ विशाल को भाई गाली दी जो म्यूट कर दी। और एक चीज बताना चाहते हैं, विशाल ने जो डिफेंड किया अपनी बात को कि मैंने ये बोला था कि सबकी सेवा कर रही है, तो भाभी भैया भाग्यशाली है, कोई गलत ना बोला, तो चलो ठीक है, लेकिन किसी के माँ बाप को उसी में रहते हुए उनके माँ बाप के बारे में भाई मत बोलो, बाहर निकल के बोलो सबके बारे में लेकिन अंदर मत ही बोलो, क्योंकि जो मुद्दा खत्म हो गया तो भाई उसे प्रॉपर तरीके से हाँ खत्म हो जाने दो, क्योंकि लास्ट के एक बोलते हैं ना वो 4-5 दिन तो पूरा परिवार एक मिल के रहता है, तो भाई अभी तुम्हारा वो टाइम है, एक मिल के रहो सारे के सारे, कोई दिक्कत नहीं। अरमान ने तो बोल दिया था ना अब तो बंटवारा हो गया, उनके साथ जाकर नहीं बैठना, अपनी बीवी को भी तो कल के एपिसोड में वो बोल रहा था कि अब तू देख ले उनके साथ बैठकर। देखो एक चीज बोली जा रही है, कटारिया और विशाल के ऊपर उंगली उठ रही है कि कटारिया और विशाल कह रहे हैं शिवानी को कि तू उस टीम में जाके नहीं बैठेगी, ये बातें खुल के आ रही है, लेकिन ये बातें खुल के ना रही कि अरमान मलिक अपनी वाइफ को, अपनी जो कौन सी वाइफ है कृति, कृतिका को, हाँ
कृतिका को ये बोल रहे हैं कि अब तू उनसे बात ही ना करेगी, तो भाई ये तो पूरे घर की परंपरा है, एक दूसरे के पास बैठने तो जो रोका जा रहा है भाई, तो वो तो कोई एक इंसान ना सभी कर रहा है, हर इंसान चाहता है कि भाई उसकी टीम है वो स्ट्रोंग रहे और अपने साथ ही बैठे, दूसरे के साथ बैठ के टीम की कोई पोल ना दे। जब विशाल के मैटर में आज बात हो रही थी तो जब अरमान जो आग बबूला हो रहा था कि इसका बाप स्टेज पर बकवास करके गया है, तब साई ने एक बात बोली कि इन दोनों की ही नजर गंदी है, मतलब कटारिया और विशाल की। हाँ, यहाँ अरमान ने एक चीज बोल ली कि भाई कटारिया के बारे में ना कह सकता क्योंकि वो एक अच्छे परिवार से है भाई, उसके घर में माँ बहन उसकी गर्लफ्रेंड सब हैं, वो उस इंसान की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, वो ऐसा इंसान ना जो गलत नजर से देखे। यहाँ अरमान ने भाई मतलब कटारिया की सपोर्ट करी। साई ने ये बात बोली क्यों, किस बेसिस पर बोली, अगर कोई साई से पूछे कि उसने, चलो विशाल का तो कुछ मैटर हुआ था, हालांकि वो ऐसा नहीं दिख रहा पर उसका मैटर हुआ था, लेकिन कटारिया का तो कोई ऐसा मैटर भी नहीं हुआ, तो उसने ये बात किस बेस पर बोली। अगर कोई उसको बोलना चाहे तो वो सना के साथ बैठता था, सना सुल्तान के साथ शुरू से बैठा और उसने सना को मैनुपलेट करा था जब अरमान को हेड ऑफ द हाउस बनाना था और जब वो चली गई तो ये इमोशनल तक नहीं हुआ, ये ऐसा तो दोस्त है और दूसरों की दोस्ती पर ये सवाल उठाते हैं ये लोग। हाँ, ये बोल रहा है ना कि मेरे अंदर कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है, कभी कभी इमोशनल होता हूं, मतलब दीपक जी गए जब इमोशनल, तो भाई आप इंसान हो कोई मशीन ना, कि कभी कभी बटन ऑन ऑफ होता है, मतलब तो फिर वो उसको दिल से दोस्त नहीं मानता होगा, तभी ना हुआ होगा भाई, यही बात है। और काफी अभी देखने में आ रहा है कि जो शिवानी है वो कुछ ज्यादा भाई ओवर कर रही है, ओवर मींस जैसे कि पूरी की पूरी जो पोल है उनकी टीम की, वो पूरी की पूरी दूसरी टीम की पास जाके पूरी पोल खोल दी, मतलब है उनके जो सीक्रेट है, हाँ वहाँ एकदम सारे के सारे सीक्रेट शिवानी ने भाई खोल दिए, फैला दिए, क्योंकि अब इनकी पूरी टीम हो गई है एक तरीके से बिखर सी गई है, बिग बॉस यही चाहते थे वैसे, और वो ही भाई फिर भी अब लग रहा है कि अब 20 साथ है, ये कम से कम 3 लोग तो हैं ही, लेकिन फिर भी 3 लोग हैं, शिवानी ने अपनी जो लॉयल्टी का मतलब अपना विश्वास है भाई वो पूरे तरीके तक खो दिया। सना ने आज जो उसको बात बोली, उसने सना से सवाल किया कि तुम तो बोलती थी मैं चाहती हूँ लड़की विनर हो, तो तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, तो सना ने वहां पर, हालांकि ये बात कड़वी थी लेकिन सच थी, सना को लगा कि भाई वो नहीं है ऐसी मजबूत लड़की जो उसका साथ दे सके, ये बात उसको चुभ गई। सेम एकदम उसने बात जाके अरमान को बताई और उसने शायद कुछ 3-4 बात और हाँ। से भी बनाकर बताई उसने कि वो तो कह रही है कि मैं सेल्फिश हूं, मैं खुद नहीं जीती तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, हालांकि अगर उसको फिलहाल में उसने ना बोला, लेकिन हमें नहीं दिखाई गई वो चीज कि उसने ये वर्ड बोले कि अगर मैं नहीं जीती तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी। और जैसे कि भाई आज शिवानी और सना की आपस में बात चल रही थी तो एक इशारे की बात चल रही थी, वो इशारे की बात थी कि शिवानी ने एक बात जैसे अपनी ओपन करिए कि जब रेस का टास्क चल रहा था तो उसमें शिवानी जोंबी वाला शिवानी और कृतिका ये दोनों जब लास्ट में थी तो इन दोनों में से कौन सी जीती, ये चीज शिवानी ने नहीं देखी थी। शिवानी ने ये बोला है कि मैंने तेरे इशारे पे उसे हाँ बोल दिया कि हाँ बोल दिया, कृतिका पीछे थी और सना मकबूल जो है वो आगे थी, ये उसने उसके इशारे पर बोला, इशारे पर बोला, लेकिन जैसा कि भाई हमें तो नींद आ रही है। और एक चीज बताता हूँ भाई, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया तो वहां थोड़ा क्लियर था कि भाई उसमें कृतिका पीछे थी भाई, अगर वो पीछे नहीं होती ना तो वो पीछे हटती ही नहीं बिल्कुल भी नहीं हटती। और बाकी शिवानी ने जो ये बात आज कबूली है तो इसमें गलती शिवानी की है, क्योंकि उसका काम था वो संचालक बनी थी तो उसे बिल्कुल उस लाइन के पास रहना चाहिए था, लेकिन वो लाइन से बहुत दूर जाके खड़ी हो रही थी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि जब जैसे किसी को संचालक बना दिया जाए, किसी ऐसी सीट पे बिठा दिया जाए कि जहां उसे निर्णय करना है, तो भाई निर्णय करना एक बहुत निष्पक्ष करना होता है, एक हमारे गाँव में कहावत है कि एक भगवान रूपी का वो दर्जा दिया जाता है उसे कि बिल्कुल न्याय करना है, तो भाई उस अगर तुम्हें कोई ऐसा टास्क मिलता है तो उसे ईमानदारी से करो, जैसे कि रणवीर ने चलो जो भी सामान बांटा भाई, चलो उसने बांट दिया कोई बात ना, लेकिन सामान बांटने के बाद नहीं दिखाई उसने ईमानदारी, लेकिन सामान बांटने के बाद उसने जो ये बोला देखा
घी भी हम लिया है, वो भी हम लिया है, वो भी लिया है। तो रणवीर जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जब आपको सीट पर बिठाया था सामान बंटवारे के लिए, तो वहां आपको निष्पक्ष करना चाहिए था। अगर आपके मन में थोड़ी बहुत ऐसी बात भी आ गई थी कि मुझे ज्यादा लेना कम लेना, तो उसके बाद वो चीज फैलानी ना चाहिए थी आके कि मैंने तो ऐसे कर दिया, मैंने तो ऐसा कर दिया। तो चलो भाई, कोई बात ना, हमारी बातचीत चलती रहेंगी इसी तरीके से। और भाई, अपने जो वोटिंग हुई है उस, वो तो देखो वीकेंड के बाद पर ही खुलेगी। और आप किसको वोट कर रहे हो, क्योंकि वोटिंग लाइन तो अभी ओपन है, तो आप तीनों में से किसको वोट कर रहे हो कमेंट करके बताना। कटारिया भाई को दबा के वोट करो। तो भाई जो है वो बता ही रहे हैं कि हम कटारिया भाई को वोट कर रहे हैं, और आपसे भी कहेंगे कि जितना हो सके कटारिया को प्लीज वोट करो। चलो इसी के साथ चलते हैं। जय श्री राम।